ज्योतिष आचार्य जी, अप्रैल के महीने में सूर्य और गुरु की युति होने जा रही है। सूर्य अपने उच्च राशि मेष में गोचर करने वाले हैं, तो इससे किन राशियों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है और क्या प्रभाव पड़ने वाला है? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। शोकदाह अप्रैल को सूर्य देवता जो हैं, सूर्य ग्रह जो हैं, अपने सौर मंडल में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और सूर्य भगवान अपनी उच्च राशि मेष राशि में 14 अप्रैल से गोचर करेंगे। उस मेष राशि में पहले से ही वहां गुरु विराजमान हैं। गुरु सूर्य की युति जो है यह नव पंचम योग लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, तो जब दोनों एक ही राशि में बैठ करके नव पंचम योग एवं लक्ष्मी नारायण योग बनेंगे, इससे जिस जगह पर बैठे हैं वहां से चौथे और सातवें स्थान पर अपना दृष्टि डालेंगे, तो जिस जगह पर बैठे हैं वहां तो मंगल होगा ही और चौथे स्थान एवं सातवें स्थान पर अपनी दृष्टि डाल करके उन राशि वालों का भी कल्याण करेंगे। अब है वहाँ मेष राशि पर बैठ करके सूर्य भगवान तीन राशि पर कृपा करने जा रहे हैं विशेष रूप से। सबसे पहली राशि है मेष, दूसरी राशि है कर्क और तीसरी राशि है तुला। तो ये तीन राशि वालों के लिए जब अपनी दृष्टि डालेंगे और शुभ कामना करेंगे, इसलिए इन तीन राशि वालों का अत्यंत शुभकारी होने वाला है, अत्यंत लाभ होने वाला है। पहला है इसमें लाभ जो है, सबसे पहले स्वास्थ्य लाभ होगा, क्योंकि सूर्य भगवान शरीर के मालिक हैं। अपनी जगह पर बैठ करके जहां दृष्टि डालेंगे वहां स्वस्थ, यदि बीमारी से परेशान है तो सबसे पहला लाभ होगा कि शरीर स्वस्थ हो जाएगा, किसी भी प्रकार का शरीर में कष्ट नहीं रहेगा। साथ ही साथ धन लाभ का भी योग है और धन लाभ के साथ गुरुदेव गुरु हैं, इसलिए विद्या लाभ तो निश्चित होगा। धन लाभ, विद्या लाभ और विशेष लक्ष्मी की कृपा, ये तीन राशि वालों के ऊपर होगी और एक महीना तक सूर्य गुरु की युति जो है वह तीन राशि वालों के लिए अत्यंत लाभकारी, शुभकारी प्रतीत होगा।